सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। चलती बचर ही गुजरात विधानसभा निर्वाचन, ठीक तार आगे कुड़ी बचर आगे गुजरात हिंसा निये शुरू हलो राजनैतिक टानापोड़। निहत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरीर स्त्री जाकिया जाफरीर आवेदन खारिज कर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के देवा एसआईटी क्लिनचिट बहाल रेखे सुप्रीम कोर्ट। तरपर ही कांग्रेस सह बिरोधी काट कड़ाई तुले आक्रमण शानिये अमित शाह, बिरोधी पाल्टा सूर चढ़िए खालस दिए सुप्रीम कोर्ट। तर मैं इटा नये घटना घटे गोधरा कांड गुजरात दांगा नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पीछन छाड़बे ना। गुजरात गणहत्यार कालिमा मुछे देवा जाबे ना। सुप्रीम कोर्ट अनेक रकम रंग दिए जदि अमित शाह चेहरा रंग लागाय ताओ किन्तु गोटा पृथ्वीर मानुष एवं देशेर मानुष जानबे जे एहसान जाफरी के पुड़िए मारा होयेछिलो। 2002 साले 27 फेब्रुआरी गोधरा रेल स्टेशने अयोध्या फिरत सबरमती एक्सप्रेसर L6 कामरा अग्निदग्ध हुए मृत्यु है 59 जन कर सेवक। घटनार पर दिन ही अहमदाबाद मेघाली नगरे गुलबर्गा सोसाइटी आवासन जालिए दें एकदल उन्मत्त जनता, पुड़े मृत्यु है महिला शिशुसह 69 जन। से ही तालिकाय छिलेन प्राक्तन कांग्रेस सांसद एहसान जाफरीओ। हिंसा छड़ाय गुजरात विभिन्न जायगाय सरकारी हिसाबे हजारेर बेशि मानुषेर मृत्यु है गुजरात हिंसाय। जदिओ अन्यान्य सूत्रे दाबी मृतेर संख्या 2000-এরও बेशि। 2006 8 जून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सह अन्यदेर बिरुद्धे बृहत्तर षड़यंत्रेर मामला करें निहत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरीर स्त्री जाकिया जाफरी। 2008 विशेष तदंतकारी दल गठन करे सुप्रीम कोर्ट। 4 बछर पर तथ्य प्रमाणेर अभावेर कथा बोले मोदी सह 63 जनके क्लिनचिट दे सीट। सीटेर क्लिनचिटके चैलेंज जानिए हाईकोर्टे जान जाकिया जाफरी। 2017 5 अक्टोबर हाईकोर्टे मामला खारिज हवाय सुप्रीम कोर्टे आवेदन जानान तिनी। शुक्रवार जाकिया जाफरीर मामला खारिज करे मोदी सह अन्यदेर सीट जे क्लिनचिट दियेछिलो ता बहाल राखे सर्वोच्च आदालत। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। गुजरात हिंसार प्रेक्षिते तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधर्म पालन परामर्श दें। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। अमित शाह के से कथा मने करिए पाल्टा खोचा दिए थे कांग्रेस। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने राजधर्म की याद आखिर देश के आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्यों दिलाई थी? वो किस राजधर्म की बात कर रहे थे? वो राजधर्म क्या था? क्या इन सवालों का जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं या अटल जी तब गलत थे और आज वो सही है? उन्होंने जो तो जस्टिफाइड करो अटल बिहारी वाजपेयी ओनार दल सर्वोच्च नेता कथा से कलंक जेटा नरेंद्र मोदी जतदिन थकबें तर गाए लागानो। চলতি বছরই গুজরাটে হাই ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে 20 বছর আগের ইস্যু নিয়ে শুরু হলো রাজনৈতিক সরগোল। সমীরণ পাল, অনির্বাণ বিশ্বাস, ভাস্কর ঘোষ, এবিপি আনন্দ।